सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज पेंतिकोस्त के बाद 20वां दिन, तीसरा शनिवार, हम लोग इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी, माता मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते हैं। कोर इमैक्युलेटम मैरी, इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मैरी का फीस्ट पर्व मना रहा है। कल हम लोगों ने ईसा मसीह के पवित्र हृदय का पर्व मनाया था। इसके बाद अगला दिन, शनिवार के दिन, आज के दिन माता मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाना प्रारंभ किया। कई लोग एक सवाल करते हैं, ईसा मसीह का पवित्र हृदय और माता मरियम का यह निष्कलंक हृदय, क्यों ये दोनों का पर्व मनाते हैं? कल हम लोगों ने पवित्र हृदय का पर्व के विषय में ईश्वर का प्रेम उसमें जल रहा है, मानव जाति के लिए जलने वाला वो हृदय, प्रेम में जलने वाला, और मनुष्य से केवल कांटे दुख उस हृदय को मिल रहा है, इसलिए कांटों का वो जो पट्टी बांधा हुआ हम लोगों ने देखा। तो कल हम लोगों ने उसके विषय में मनन चिंतन किया, और कलीसिया आज माता मरियम का निष्कलंक हृदय के विषय में मनन चिंतन करने और उसका पर्व मनाने का जो दिन के रूप में घोषित किया। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2:19 में एवं 51 में, लूक चैप्टर 2:19 एंड 51, वहां पर दोनों जगह पर हम लोग पढ़ते हैं माता मरियम जो कुछ ईसा मसीह के विषय में जो सुना वो सब बातें अपने हृदय में संचित रखा है। अपने हृदय में सब कुछ संचित रखना और उसके विषय में मनन चिंतन करते हुए जीवन जीने वाली एक मां के रूप में, उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 1:1 अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है धन्य है वह मनुष्य, इसके बाद लिखते लिखते आ रहे, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। ईश्वर का नियम को, ईश्वर के वचन को हृदय से चाहने वाला और दिन रात उस पर मनन चिंतन करने वाला धन्य है करके स्तोत्रगार स्तोत्र ग्रंथ शुरुआती यही बोल करके शुरू किया, धन्य है वह मनुष्य। यहां पर माता मरियम के विषय में लिखा है वह उन सब बातों को जो ईश्वर के विषय में, मसीह के विषय में उनको सुनने के लिए मिला, उन तमाम बातों को अपने हृदय में वह संचित करती थी और उस पर दिन रात मनन चिंतन किया करती थी, विचार करती थी। वाक्य 19 में मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और इन पर विचार किया करती थी। तो मनन चिंतन करना ईश्वर के वचनों पर, यह माता मरियम का एक स्वभाव था।
उस हृदय के विषय में आज हम लोग सीखने जा रहा है। आप लोगों ने माता मरियम का वो निष्कलंक हृदय का फोटो देखा होगा, जैसे ईसा मसीह का पवित्र हृदय का फोटो, जैसे एक हृदय को दिखाने वाला एक फोटो। उस फोटो को यदि हम ध्यान से देखेंगे, वहां पर भी हम लोगों को एक हृदय दिखता है, और ईसा मसीह के हृदय के ऊपर एक क्रूस था, लेकिन यहां पर एक तलवार को दिखाता है। ईसा मसीह का पवित्र हृदय में एक चोट दिखाया है, वहां से रक्त को बहता हुआ, यहां पर हम लोगों को एक तलवार को आर पार करता हुआ। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 35 को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर सिमोन ने भविष्यवाणी की थी, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी कर करके। इस भविष्यवाणी के अनुसार उनके हृदय में वो जो तलवार को वहां पर दिखाया है, कैसे ईसा मसीह के कारण माता मरियम को जो अनुभव करना पड़ा, गुजरना पड़ा 7 दुखों से। माता मरियम के उन 7 दुखों के विषय में भी हम लोग अनेकों बार मनन चिंतन करते हैं। वो दुख इनके हृदय को भेदने वाले तलवार है। तो तलवार से ईसा मसीह के पवित्र हृदय में कांटों का एक पट्टी लपटा हुआ हम लोगों ने देखा, लेकिन यहां पर माता मरियम के हृदय को लपटने वाला रोज, लाल फ्लावर और जास्मिन फ्लावर का जो दो सफेद और लाल रंग का जो पट्टी बांधा हुआ हम लोगों को दिखता है, ये ईश्वर का प्रेम में रहने वाली मां के हृदय में होने वाला अनेकों दुख भी है और आनंद भी है। उनके हृदय में बहुत दुख सहन करना पड़ा, और साथ ही साथ मसीह के कारण ने बहुत आनंद कृपाएं, जन्म ही निष्कलंक रूप से हम लोगों माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के विषय में दिसंबर 8 तारीख को जो पर्व मनाते हैं, माता मरियम के मम्मी के अन्ना के गर्भ में निष्कलंक रीति से, पाप रहित रीति से ईश्वर ने सारे पापों को क्षमा कर उनका सृष्टि किया। इस प्रकार निष्कलंक गर्भागमन के विषय में पर्व मनाते हैं, ताकि सितंबर 8 तारीख को 9 महीने के बाद हम लोग माता मरियम का बर्थडे मनाते हैं। तो उस निष्कलंक गर्भागमन से लेकर के जीवन के अंत तक पवित्र रहने की कृपा मां को मिला, उनके लिए एक आनंद का विषय है। वो पवित्र आत्मा से भर करके जीवन जिए, पिता का उत्तम पुत्री के रूप में, आज्ञाकारी पुत्री के रूप में जीने के लिए, और ईसा मसीह का मां बन करके अपने कोख में स्वीकार करने का, उन्हें दूध पिलाने का, उन्हें पालन पोषण करने का वो सुख, वो आनंद उनके जीवन में मिला। इस प्रकार जीवन भर ईश्वर के प्रति वो बहुत आनंदित थे, और साथ ही साथ ईश्वर के लिए अनेकों कष्ट, पीड़ाएं, यातनाएं वे सहन किया, उसको भी वो दर्शाते हैं। तो माता मरियम का निष्कलंक हृदय में और ईश्वर के पवित्र हृदय में क्या फर्क है, इन दोनों हृदयों का क्या फर्क क्या है? सबसे पहली बात है, ईश्वर का पवित्र हृदय का मनन चिंतन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम मानव जाति को दे रहा है, और मानव जाति वापस उन्हें प्यार नहीं कर रहा है, इसलिए उनको कांटों का दर्द मिल रहा है। हमारे कारण, हमारे पाप के कारण हम उनका प्रेम का अनुभव नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रेम नहीं दे रहा है, इस कारण उनको जो दुख मिल रहा है उसको दर्शाता है। मानव जाति को प्यार करने वाला हृदय है ईसा मसीह का, वो पवित्र हृदय। तो वो
पर्व मनाते हुए ईश्वर के प्रेम में हम एक होने के लिए, उस प्रेम का अनुभव करने के लिए मैंने संत गर्ट्रूड का एक उदाहरण बताते हुए बोला था, हम जितना अधिक प्रभु को प्यार करेंगे उतना अधिक प्रभु का, ईश्वर का प्यार का अनुभव हम करेंगे। योहन का सुसमाचार 14 में हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 15 के अंदर, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है प्यार करता है उनके पास आकर के पिता पुत्र हम आकर के निवास करेंगे। और प्रभु का प्रेम हमें अनुभव करने के लिए इसका मतलब है प्रभु को प्यार करना जरूरी है। ईश्वर का प्रेम का अर्थ ही यही है, हम ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करता है। पहला योहन अध्याय 5:3 के अंदर हम लोग ये भी पढ़ते हैं, तो ईश्वर का प्रेम का मतलब है ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना, अर्थात हम ईश्वर को प्यार करेंगे उस प्रेम का अनुभव ईसा मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें दिया उसका अनुभव तब हम लोग करेंगे। अब माता मरियम का पवित्र हृदय क्या है? माता मरियम का पवित्र हृदय का खासियत यह है, वो जल रहा है। क्यों जल रहा है? वो ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए जल रहा है। ईश्वर को प्यार करने वाला सबसे उत्तम एक हृदय का रूप है माता मरियम का हृदय। हमारा हृदय प्रभु को कांटों का मुकुट दे रहा है, कांटों का दर्द दे रहा है, लेकिन मां मरियम का हृदय उनके प्रेम में जल रहा है। जितना अधिक प्रभु को, ईश्वर को प्यार करने का हृदय का उदाहरण माता मरियम से हम लोग पाते हैं। ईश्वर का हृदय हमें प्यार करता है, मां मरियम का हृदय ईश्वर को प्यार करने वाला हृदय। दोनों का फर्क मेरे विचार में आपको समझ में आ रहा है। केवल इतना ही नहीं, ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित करने वाली वो मां का हृदय, ईश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीने वाली, अपने को विनम्र करते जीने वाली उस विनम्रता का चिन्ह, और सारे संसार को भी अपने आंचल में ढकने का और पापियों का शरण बन करके पापियों के लिए, कमजोर लोगों के लिए मध्यस्थ करने वाली मां के रूप में उनका हृदय हम लोग पाते हैं। तो माता मरियम का जो निष्कलंक हृदय का पर्व मनाने का मतलब है उस हृदय का आदर करना जो ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यार किया, अपने हृदय में सबसे पहला स्थान जिसने ईश्वर के लिए दिया, ईश्वर के लिए पूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित करने वाली, और ईसा मसीह को सबसे पहले अनुभव करने का, प्यार करने का, अपने हाथों में उठाने का कृपा मिलने वाली उस मां का आदर करने का समय है ये निष्कलंक हृदय का जो पर्व हम लोग जो मनाते हैं। और साथ ही साथ ईसा मसीह के साथ जुड़ करके संसार के मुक्ति कार्य का कर्म करने वाली उस मां का हम लोग पर्व मनाते हैं। तो मां मरियम के हृदय में भी हम लोगों को हम लोग समर्पण करते हैं, कॉन्सक्रेशन करते हैं, ताकि मां मरियम के समान हम भी प्रभु का प्रेम में रहें। जैसे मां अपने को विनम्र किया, हम भी इसी प्रकार विनम्र बने। मां का हृदय हमारे लिए उदाहरण है। मां के हृदय में हम अपने को समर्पित करने का मतलब है मां के साथ मिलकर हम उस प्रभु के प्रेम में जुड़े हैं। लक्ष्य यह है। कई लोग बोले हैं मरियम का पूजा कर रहा है, पूजा कर रहा है, उनके आरती उतार रहा है, उनको माला डाल रहा है, यह सब क्या कर रहा है? मां के साथ मिलकर हम प्रभु को प्यार करना, केवल आराधना हम लोग ईश्वर का करते हैं, बाकी सबों का आदर सम्मान करते हैं। तो मां के उस प्रेम में रहकर, मां के समान बनकर, मां के साथ हाथ पकड़ करके ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करने के लिए ही यह पवित्र निष्कलंक हृदय का पर्व मनाया जाता है। अभी मां मरियम के अनेकों वर्च्यूस है, वर्च्यूस माने गुण है, उन गुणों को हम इस पर्व के द्वारा अपनाना है, उनके जैसे रह करके ईश्वर का सबसे, ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करने का प्रयत्न करने के लिए उनके उन गुणों को अपनाना। मां का भक्ति करने का मतलब
वहां जाकर के एक मोमबत्ती जलाने से या वहां जाकर के एक माला डालने से ये भक्ति नहीं है। एक बाहरी चिन्ह है, जरूर एक चिन्ह है बाहरी, लेकिन उसका एक आत्मिक चिन्ह भी बहुत जरूरी है। माता मरियम का पवित्र निष्कलंक हृदय का पर्व इसलिए मना रहा है उनके आत्मिकता का आदर करने के लिए, उनके आत्मिकता का हृदय का आदर कर रहा है, उनके आत्मिकता के विषय में कितना पवित्र जीवन जिया, आत्मिक जीवन कैसे था उसके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए, तब हमें मां मरियम के जो गुण है अपनाने की जरूरत है। जैसे मां प्रेम करने वाली, विनम्र करने वाली, जीवन के अंत तक पवित्र कन्या रहने वाली, सबों को प्यार करने वाली, सबों के लिए प्रार्थना करने वाली, सबों के मददगार, ऐसा स्वभावों को, गुणों को विश्वास सबसे बढ़कर के आग बंद कर करके विश्वास करना, एक कन्या गर्भवती होने के लिए अपने को समर्पित करना, विश्वास किया ईश्वर में तो उस विश्वास का पुण्य, ये सब अपनाने का समय है मां मरियम का पर्व मनाना। और उनके इस विश्वास और प्रेम के द्वारा हम भी ईश्वर के साथ वो प्रेम में आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए ये सहायक सिद्ध होता है। 1643 में एक जॉन यूडस नाम का एक आज संत है, संत जॉन यूडस बोलते हैं, और उनके कुछ साथी लोग मिलकर के दिसंबर 8 तारीख को, जो निष्कलंक गर्भागमन का जो पर्व है उसके दिन, माता मरियम का इमेकुलेट हार्ट का भी इन लोग मनन चिंतन करना, प्रार्थना करना शुरू किया। और संत जॉन यूडस के द्वारा ही माता मरियम के निष्कलंक हृदय का भक्ति का प्रचार शुरू किया था। और 1648 में, 1648 में 8 फरवरी 1648 में सबसे पहले माता मरियम का निष्कलंक हृदय का जो पर्व है फ्रांस में मनाया गया, ये इसका इतिहास हमें मिलते हैं। और संत पापा पीयूस 7वें ने, पायस 7 ने 1805 में ये फीस्ट मनाने का आधिकारिक रूप से अनुमति दिया, इमैक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी का फीस्ट मनाने का आधिकारिक अनुमति 1805 में पोप पायस 7 के द्वारा दिया गया। और 1799 में पायस 6 ने भी कुछ डायसिस में ये पर्व मनाने का अनुमति दिया था। और 1944 में, 1944 में पीयूस 12वें ने, पायस 12 ने इस पर्व को 22 अगस्त के दिन में, 22 अगस्त हमें मालूम है 15 अगस्त मां मरियम का स्वर्गारोपण का, स्वर्ग में उद्गृहित होने का पर्व हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को, उसको ऑक्टेव जो 7 दिन के बाद का जो ऑक्टेव जो आता है उस दिन 22 अगस्त को संत पापा पीयूस 12 ने आग्रह किया कि माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाने का 1944 में। लेकिन 1966 में, 1966 में पोप पॉल 6 ने, पॉल 6वें ने इस फीस्ट को पवित्र हृदय का फीस्ट के बाद का, अर्थात थर्ड सैटरडे को, थर्ड फ्राइडे को, पेंटेकोस्ट के बाद थर्ड फ्राइडे को पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं, और थर्ड सैटरडे को उसका अगले दिन पवित्र निष्कलंक माता मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाने का आग्रह किया 1966 से। वो पोल 6 पोप ने
इस डेट को निर्णय किया, फाइनलाइज किया। और साथ ही साथ जो 22 अगस्त को जो मनाता था माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व का ऑक्टेव के दिन में स्वर्ग के रानी का पर्व क्वींसशिप ऑफ मेरी उसको मनाने का भी निर्णय किया। तो संत पॉल सिक्स्थ ने अभी जैसे हम लोग पेंटेकोस्त के 20वें दिन या थर्ड सैटरडे पवित्र हृदय का पर्व का अगला दिन आज के दिन हम लोग मां मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाने का कारण संत पापा पॉल सिक्स्थ ने इस डेट हमें नियमित दिया है, तब से ये डेट चल रहा है। और हमें मालूम है आज रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और इससे पूर्व में भी रशिया का मन परिवर्तन के लिए, क्योंकि एक कम्युनिस्ट राष्ट्र था और इस कम्युनिस्ट राष्ट्र के लिए मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने का आग्रह मां मरियम ने 1917 में जब फातिमा के दर्शन हुआ था, तीन बच्चों को लूसी जसिंदा और फ्रांसिस को, उनको जब दर्शन मिला, उनको जो फातिमा संदेश हम लोग बोलते हैं उनमें से एक है, रशिया का मन परिवर्तन के लिए रशिया को मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने के लिए। इसके बाद हमें मालूम है किस प्रकार रशिया का परिवर्तन एक बार हुआ है। और अब इस साल पुनः हमारे संत पापा फ्रांसिस ने रशिया और यूक्रेन को इस लड़ाई जब शुरू होने के बाद मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित किया, प्रार्थना किया। और हमें भी आज अपने परिवार को, हमारे देश को, देश के नेताओं को, और साथ ही साथ ये जो लड़ाई चलने वाले रशिया और यूक्रेन, उनमें शांति आने के लिए हमें प्रार्थना करना है। और शांति की रानी, संसार के तीनों लोक की रानी मां मरियम की भक्ति करते हुए हमें संसार के लिए प्रार्थना करना है, शांति के लिए प्रार्थना करना है। तो मेरे विचार में माता मरियम का निष्कलंक हृदय और ईसा मसीह का पवित्र हृदय में क्या डिफरेंस है आप समझ लिया होगा, ये दोनों पर्व में क्या अंतर है ये आप समझ गया होगा। ईश्वर का जो हृदय, यीशु का जो पवित्र हृदय मानव जाति को, संसार को प्यार कर रहा है, और मां मरियम का हृदय ईश्वर को प्यार करने वाला, ये दोनों मेन फर्क ये है। तो आप लोग मेरे विचार में इसको समझ लिया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, मां मरियम के निष्कलंक हृदय में हम अपने को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को समर्पित करें, मां के उस प्यार में जुड़े रहकर ईश्वर के उस प्रेम से जुड़ने के लिए हमें कृपा मिले। संतों की प्रार्थना के द्वारा, उनके साथ मिलकर हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचता है, यही बाइबल हमें सिखाते हैं। उसमें सबसे उत्तम व्यक्ति है मां मरियम। मां मरियम के समान एक पवित्र निष्कलंक हृदय हमें भी मिले, विनम्रता का चिन्ह, प्रेम का चिन्ह, पवित्रता का चिन्ह, ईश्वर को वहन करने वाले, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले, वो मां मरियम के निष्कलंक हृदय। उस हृदय में अपने को समर्पित करें पवित्र जीवन जीने के लिए, ईमानदारी का जीवन जीने, प्यार का जीवन जीने, और ईश्वर को सबसे अधिक प्यार करने के लिए मां मरियम के साथ जुड़ करके हम रहें। परिवार को समर्पित करें, परिवार में आपसी प्रेम भाईचारा सब बढ़ जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।